तो अभी राइट वाला रास्ता भी बन रहा है एंड जल्दी बन जाएगा, एंड लेफ्ट वाला रास्ता कब का बना है, तो मतलब काम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड मुझे आपको कितना आप लोगों का नोटिस किया, मैं काफ़ी दिन से आप लोग कमेंट्स आ रहा था सेक्टर 34 का कुछ लिंक है वो आप लोगों को दिखाने के लिए, एंड मैं नहीं दिखा पा रहा, बट मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिखाऊँगा। एंड मतलब मेरे को थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी जॉब की वजह, इसके वजह से मैं आप लोग को मतलब कमेंट के हिसाब से वीडियो नहीं बना पा रहा, बट आई प्रोमिस कि मतलब जल्दी उसका वीडियो मैं लाऊंगा। सेक्टर 34 का जो आप लोग कमेंट आ रहा है सेक्टर 34 का वीडियो बनाने के लिए, मैं जल्दी बनाऊंगा। तो आप लोग बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सुबह ब्लॉग्स इंस्टाग्राम जाकर फॉलो कर लें। तो अभी फिलहाल मैं धूल उड़ रहा है यार, धूल उड़ रहा था, आप लोग समझ जाओ मैं कहाँ पे हूँ। अपना तलोजा साइड जो फ्लाई ओवर है उधर हूँ मैं, देखो धूल इतना उड़, धूल तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो धूल को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाएगा, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे धूल उड़ रहा है। तो यहाँ पर काम चालू है अभी भी, लास्ट टाइम आया तो लास्ट टाइम में उधर काम चालू था एंड अभी भी इधर का काम चालू है। कोई नहीं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, आपका भाई ऐसे वीडियो लाते रहता है हमेशा। कोई नहीं, विदाउट वेस्ट टाइम आप लोग को मैं पूरा फ्लाई ओवर दिखाता हूँ जो कितना काम चालू है। फ्लाई ओवर की इधर तो आ गया मैं एंड आप लोग को झाड़ी दिख रहा होगा, झाड़ी तो है, देखो सामने है फ्लाई ओवर एंड मैं जस्ट उसके इधर ही खड़ा हूँ। बाल थोड़ा सा बिखर जाता है यार, कुछ नहीं, थोड़ा इग्नोर कर देना, इससे थोड़ा थोड़ा बात रहता है इसको इग्नोर कर दिया करो गाइस, क्योंकि अभी बाल तो हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहा हूँ, बाल ये बहुत हो रहा है। खैर कोई नहीं, ये सब बात को थोड़ा इग्नोर करो एंड फ्लाई ओवर पर आया हूँ, तो फ्लाई ओवर आपको अब दिखाता हूँ मैं। ये है तलोजा साइड का फ्लाई ओवर, ये नहीं है, ए है। तो देखो ये फ्लाई ओवर है एंड यहाँ पे एक वर्कर से जो कि कच्चा सीमेंट कच्चा जो बना है उसको पानी डाल रहे हैं, तो पूरा बन गया है। अभी आगे जाकर आप लोग दिखाता हूँ फ्लाई ओवर कितना ज़्यादा बन चुका है। देखो सामने नीचे जितने भी गड्ढा था वो भी मतलब भर के, देखो पूरा फ्लाई ओवर बन रहा है, मतलब उधर से स्टार्ट हो रहा है। इधर जो राइट साइड वाला रास्ता ख़राब था, देखो आप लोग को जूम करके दिखाऊंगा, तो इधर भी रोड रोलर है जो कि मतलब रास्ता बना रहे, देखो एकदम सामने आप लोग को दिख रहा हुआ। तो हो सके उधर से राउंड मारते इसमें हो सके तो आप लोगों को मैं ये भी दिखाता हूँ, लेकिन सामने देखो मतलब लेफ्ट वाला रास्ता कब का बन चुका था एंड राइट वाला भी रास्ता भी बन रहा है जो कि मुझे आधा से ज़्यादा तो बना हुआ दिख रहा है। मतलब अब इस पर डांबर बिछा के बस प्लेन करना बाकी है, देखो सामने एंड इधर थोड़ा सा बाकी है। तो काम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड इधर फ्लाई ओवर का भी देखो, फ्लाई ओवर का भी मतलब राइट का हिस्सा तो बन गया है एंड लेफ्ट वाला उधर का जो है ना वो थोड़ा सा बाकी है, मतलब उधर से जाते ऊपर से जाने के लिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाले एंड राइट साइड वाला तो ये बन ही चुका है ना जाने के लिए पूरा, क्योंकि अभी मतलब ये बंद है इसके वजह से सीधा से रोड क्रॉस करने के लिए। देखो वहाँ से एक छोटा सा रास्ता टूटा हुआ है डिवाइडर, वो डिवाइडर से दूसरे साइड जाने का। देखो अभी एक स्कूटी वाले अंकल हैं जो उधर जाएंगे, देखो जा रहे हैं क्योंकि रास्ता भी है ही नहीं इधर जाने के लिए, तो स्कूटी वाले के अभी सब लोग मतलब जितना भी टू व्हीलर्स है सब उधर से जाते हैं, जो रास्ता नहीं है इसके कारण। तो अभी राइट वाला रास्ता भी बन रहा है एंड जल्दी बन जाएगा, एंड लेफ्ट वाला रास्ता कब का बना है, तो मतलब काम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में। एंड हाईवे साइड वाले जो फ्लाई ओवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लास्ट ब्लॉग में तो आप लोग देखे ही होंगे कितना बन चुका है एंड उसके बाद भी मतलब काम उधर चालू है, काम ऐसे नहीं काम रुका है, मतलब काम चालू ही है, मैं गया नहीं उसके बाद, लेकिन फिर मैं बोल सकता हूँ कि काम चालू है, लास्ट में उनसे पूछा था मैं तो मतलब काम वो बोले थे काम कंटिन्यूस चालू ही रहेगा। एंड अभी भी देखो एक वर्कर जो कि अभी कच्चा सीमेंट को ये पानी दे रहे हैं, ये पानी देने से क्या होता है आपको पता है, सीमेंट जो रहता है ना मजबूत होता है, मतलब कच्चा रहता है वो पक्का बन जाता है, पक्का कच्चा कच्चा पक्का कच्चा, समझ जा। तो चलो आप लोग आगे भी दिखाता हूँ मैं, आगे मेन आगे नीचे साइड तो कुछ देखने वाला नहीं है, जो है ऊपर ही देखने के लिए, जो पानी का जो सामने कुछ टैंकर दिख रहा हो पानी का ही है। तो चलो यही बात, आप लोग को राइट साइड का जो रास्ता है उधर से मैं इधर से घूम के जाके आप लोग थोड़ा दिखाता हूँ, मतलब देखो बाइक में उधर सामने लगाया हूँ एंड इधर से सीधे जाके उधर से घूम के होगा तो साइड से वो रोड पे अभी जाने के लिए मिलेगा, इसी वजह से उधर जा रहा हूँ मैं एंड देखता हूँ वहाँ पर अगर होगा तो वो आप लोग को रास्ता में दिखाता हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, उसके लिए अपने बाइक के लिए जाना पड़ेगा, देखो क्या ही गड्ढे वाले रास्ते हैं, कोई बात नहीं। देखो अभी राइट वाला रास्ता नहीं बना इसकी वजह से अभी पूरा जितना भी गाड़ी है सब लेफ्ट साइड से आते जाते हैं, मतलब आना जाना लेफ्ट साइड से ही हो रहा है। तो यही रास्ता भी आगे जाता हूँ एंड आप लोग को मैं दिखाता हूँ जो राइट साइड वाला रास्ता है कितना बना है। तो देखो नीचे
प्लस अगर जो रास्ता था जो है वो राइट वाला रास्ता दिखाने को दिखाने के लिए, अगर आप पनेला हाईवे तरफ से आ रहे हो इधर तो लेफ्ट में रास्ता पड़ेगा, क्योंकि इधर से लेफ्ट पड़ता है उधर से राइट पड़ता है। तो अभी वो पहले मैं आपको राइट वाला रास्ता बोला था, अभी इधर से आ रहा हूँ तो मैं इधर से लेफ्ट वाला दिखा रहा हूँ। इधर आ गया हूँ, ये अपना फेस टू का फाटक, ये रहा रास्ता लेफ्ट वाला जो बन रहा तो चालू ही रास्ता है। तो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी छोटे से मोटा मोटा पत्थर बिछाए, देन इसका इसको प्लेन करके फिर डामर बिछाएंगे। बात है क्या ही धूल है, वाह वाह वाह, मेरे धन्नो और गंदी हो जाएगी, उन्हें साफ कर देंगे धन्नो को, अपनी धन्नो है। ये देखो रास्ता, मतलब मैं बोला था आपको लोग बड़े बड़े छोटे इतने बड़े बड़े पत्थर पूरा बिछाए हैं, इसके बाद एकदम छोटा छोटा पत्थर बिछा के फिर इसको प्लेन करेंगे, मतलब रोड रोल, देखो सामने रोड रोल है जो कि चल रहा है, इसके बाद फिर डांबर बिछा के मतलब पूरा रास्ता एकदम स्मूथ मक्खन हो जाएगा, मक्खन मक्खन से आराम से गाड़ी भागी है सुई, लेकिन गाड़ी भगाना नहीं, आराम से नॉर्मली चलना है। तो देखो ये भी रास्ता मतलब बन ही गया है, देखो कितना तो कितना अच्छा लग रहा है, तलौजा डेवलप हो रहा है, तो तलौजा में जो रहना चाहते हैं आना चाहते हैं, मेरा वीडियो बनाने का यही है जो सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए तलौजा का इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाता हूँ और साथ में अपना लाइफ स्टाइल भी कभी कभी करता हूँ। अभी अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसका कारण सिर्फ मतलब जॉब के कारण अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बट मैं अच्छे कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं तो जॉब भी करूँ आप अच्छे से वीडियो भी बनाऊँ, कि जॉब भी अभी टाइम में छोड़ नहीं सकता, इसके साथ दोनों मतलब अच्छे से काम करना पड़ेगा। कहीं पर नहीं, देखो सामने रोड रोल है, देखो छोटा छोटा पत्थर बिछा के इसको प्लेन कर रहे हैं ना, सही है। एंड देखो ब्रिज के नीचे फ्लावर के नीचे सारा फ्लावर का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा मतलब छोटा उसका जो सामान सब है, ये क्या है कुछ तो है। देखो रोड वाला पत्थर को कितना आराम से प्लेन कर देता है, देखो आगे पूरा प्लेन हो चुका है, देखो सामने एकदम कितना अच्छा दिख रहा प्लेन हो गया है, तो एंड देखो सामने और होना बाकी है, देखो प्लेन नहीं है तो कैसा हमें तो अलग ही सा लग रहा है, लेकिन प्लेन होने के बाद अच्छा दिख रहा है। देखो ये बड़ा पत्थर के बाद छोटा छोटा पत्थर आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे सामने, छोटा पत्थर बिछा के वापस एक बार रोड रोलर मतलब घुमाएंगे इधर, तो इसके बाद प्लेन हो जाएगा अच्छे से रोड, फिर उसका डाम्बर का फिनिशिंग होगा। मतलब काम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब काम बोलूँ ना तो पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगा है जब से सिडको का अपडेट आया है। पहले काम था जब मतलब रुकना चालू ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन जब से सिडको का जो अपडेट आया मतलब दिसंबर तक ये सब क्लियर करने का, तब से काम तो जहाँ तक मुझे पता है एंड जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काम रुक नहीं रहा है, मतलब कंटिन्यूस चालू ही है। जब से मैं एक वीडियो बनाया था जो सिडको का न्यू अपडेट करके, तब से मतलब काम चालू ही है। खागड़ा साइड का जो फ्लाईओवर है उसका भी काम हम चालू ही है कंटिन्यूस, और तलौजा साइड का जो फ्लाईओवर है उसका भी काम चालू ही है। बस यही फर्क है, कभी डे में काम रहता है कभी नाइट में काम रहता है, मतलब सब काम का अलग अलग रहता है। तो मतलब देखो अभी काफ़ी मस्त प्लेन रास्ता बन गया है, अभी काफ़ी मस्त सही सा दिख रहा है। एंड खागड़ा साइड का भी जो है तो मैं कभी बताऊँगा, लेकिन जल्दी कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सेक्टर 34 का कुछ लिंक दिखाने के लिए, जैसे ये मतलब कुछ सॉरी प्लॉट नंबर 1 दिखाने के लिए, तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। मेन एक मेरे को अच्छे से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा जॉब के कारण, बट मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि सेक्टर 34 का प्लॉट नंबर 1 का वीडियो बनाऊँगा। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही, एंड फिर मिलता हूँ मैं अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, फिर मिलता हूँ।